पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दी है। मनीष सिसोदिया ने आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति मांगी थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाज़त दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आज सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई की। उन्हें पत्नी के बीमार होने के कारण अनुमति दी गई है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसके साथ कोर्ट ने उन्हें राजनीतिक भागीदारी नहीं करने की शर्त के साथ मिलने की इजाज़त दी है। सिसोदिया को सबसे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, फिर उनसे जेल में पूछताछ कर ईडी ने उन्हें 9 मार्च को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में पिछले दिनों उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाईकोर्ट के साथ साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। इन दोनों मामले में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से 28 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी न्यायिक हिरासत में हैं। कथित घोटाला केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार संजय सिंह की गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने संजय सिंह को मजीठिया केस में जारी प्रोडक्शन वारंट में पेशी के लिए 18 नवंबर को अमृतसर जाने की इजाज़त दी है। सांसद संजय की खराब सेहत का भी हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में पेशी के दौरान संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को ये लोग अंजाम देने वाले हैं। बहुत बड़ी साजिश है, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग।